हाय दोस्तों, बहुत लोगों को नहीं पता कि अगर वार्निंग इंडिकेटर की लाइट जल रही है तो एक्चुअल में करना क्या है एंड उसकी वर्किंग क्या होती है। चाहे आपके पास न्यू क्लासिक हो, मीटियोर हो, हिमालयन हो, चाहे कोई भी बाइक हो, BS6 वाली कोई भी बाइक हो, उसमें ये वार्निंग इंडिकेटर किस तरह से काम करते हैं वो मैं डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में एंड बहुत ईजी एंड शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर वार्निंग इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और कौन सी वार्निंग इंडिकेटर क्या वर्क है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग, अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों, ये जो इंडिकेटर दे रहे ना, वार्निंग इंडिकेटर, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, बुलेट हो, सभी में जो है सेम आपको जो है वार्निंग इंडिकेटर कंसोल जो है वो दिया हुआ है। दोस्तों, ये माल फंक्शन आपको दिख रहा है, MIL बोलते हैं इसको, और ये ABS इंडिकेटर है एंड यहाँ पे जो है आपका लो फ्यूल इंडिकेटर है। अभी पेट्रोल जो है फिल कराया हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेटर जो है नहीं दिखाई दे रहा है। एंड स्टार्ट करते हैं लो फ्यूल इंडिकेटर से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लो फ्यूल इंडिकेटर जो है आपके अगर टैंक में, ये 13.5 लीटर का टैंक होता है दोस्तों, इसके अंदर अगर 3.5 लीटर से ऊपर ऑयल है तो लो फ्यूल इंडिकेटर जो है ब्लिंक नहीं करेगा, यहाँ पर जो है आपको दिखना बंद हो जाएगा। 3.5 लीटर से कम हुआ तो आपका जो है पेट्रोल जो है इसके अंदर लो है, वो लो इंडिकेटर दिखाना शुरू कर देगा। एंड दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन एक और है कि जब भी आप अपनी गाड़ी है ना, उसमें ना मिनिमम जो है 1 लीटर ऑयल रखिए, क्योंकि उसमें फ्यूल पंप होता है एंड बार बार अगर आप लो फ्यूल में राइड करते हैं तो फिर फ्यूल पंप के जो है प्रॉब्लम्स जो आपको देखने मिलते हैं एंड फ्यूल पंप का कॉस्ट जो है वो भी हाई है। तो फ्यूल पंप इंडिकेटर वैसे वर्क करता है, अगर आपके 3.5 लीटर से ऊपर है तो फ्यूल जो इंडिकेटर है वो आपको जो है नहीं दिखाई देगा। एंड अब आते हैं माल फंक्शन, जो MIL बोलते हैं। एंड दोस्तों, ये जो है अभी आपको लाइट ऑन दिखाई दे रही है, बिकॉज अभी मैंने स्टैंड किया हुआ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है। ये जो है गाड़ी स्टार्ट करते ही जो है जो माल फंक्शन का है लाइट जो है बंद हो जाएगा एंड इसके बाद जो है नहीं जलना चाहिए। कई बार राइडर्स को जब वो राइड कर रहे होते हैं तो ये जलता रहता है, तो दोस्तों वैसा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कोई सेंसर में जो है प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ बाइक में जो है फॉल्ट आ रहा है, कोई जो ECU होता है बाइक का उसको कैलकुलेशन करने में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो जल्दी से आपको सर्विस सेंटर में ये जो है अगर लाइट जल रही है चलाते वक्त तो आपको ये दिखाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं ABS इंडिकेटर के बारे में। एंड ABS तो बहुत पहले से आया हुआ है, जब बाइक में BS6 नहीं था उससे पहले भी, चाहे आपका सिंगल चैनल ABS हो चाहे ड्यूल चैनल ABS हो। दोस्तों, इसमें जो है अगर आपकी बाइक आप स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करके थोड़ा स्पीड चलाते हैं ना, तो आपका ये जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाना चाहिए एंड चलाते वक्त ये ऑन नहीं रहेगा। ये ऑन नहीं है, इट मीन्स दोस्तों आपका जो है परफेक्ट है, ABS सही से वर्क कर रहे हैं। अगर ये चलाते वक्त बाइक जब है चल रही है रनिंग कंडीशन में है और ये चलता है, इट मीन्स आपको वार्निंग कर रहा है कि ABS जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अगर ABS के सेंसर पे कोई डस्ट जम गया है तो भी आपको ये दिखाएगा। प्लेट जो है वो बेंड हो गई है, ABS की सेंसर प्लेट जो है अगर वो बेंड हो गई है तो भी दोस्तों ये ब्लिंक करेगा। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कई बार, ये ब्लिंक करता है ना, तो इट मींस सेंसर प्लेट में प्रॉब्लम है। अगर ये कंटिन्यूस जल रहा है मतलब सेंस नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो जो ABS का ECU है उसको प्रॉपर कैलकुलेशन जो है नहीं मिल रहा है, तो ABS आपका सही वर्क नहीं करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको तीनों जो इंडिकेटर्स हैं, वार्निंग इंडिकेटर्स, उसके बारे में टोटली क्लियर आइडिया हो चुका होगा। अगर आप में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो जल्दी से जो है शोरूम पे दिखाइए, सर्विस सेंटर पे दिखाइए। एंड दोस्तों, यहां वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। बाय।